नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया शर्मा अजमेर अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन मुहिम अभियान को जन जन तक पहुंचाने का लिए जन सरोकार मंच टॉम साधुवाद के पात्र हैं श्री अशोक जी सक्सेना और श्री देवेंद्र जोशी जी के समर्पित प्रयास इसे इंद्रधनुषी छटा का निखार दे रहे हैं। इस मंच द्वारा मुझे ये अवसर प्रदान किया गया, तदर्थ मनीषी गणों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। सम्मानित मंच से जुड़े प्रवृत्तिगण, सुधीजनों का नमन, वंदन, अभिनंदन, वंदे मातरम। पाती जीवन की अनमोल धरोहर है, पाती जीवन की अनमोल धरोहर है, जो संस्कृति के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में अहम रोल अदा करती है। पाती जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण में अहम रोल अदा करती है। जो बात हम किन्हीं कारणों से साझा नहीं कर पाते हैं, जो बात हम किन्हीं कारणों से साझा नहीं कर सकते, उन्हें कागज पर उकेर कर अंतरात्मा की आवाज को हम प्रकट कर सकते हैं। मैं कागज पर लहू बिखेरूं, कुछ अक्षर मोती बन जाएं। पाती होती है दर्द हृदय का। लोग समझे हैं केवल शब्द श्रृंखलाएं। हमने में संयोजक एवं संपादक श्रद्धे शुरू से ये है पाती मुहिम की वास्तविकता। पाती लेखन मुहिम से मुझे जोड़ने में संयोजक एवं संपादक श्रद्धे डॉक्टर नेगी साहब, आदरणीय मीना जी ने मेरे हृदय पटल पर बीजारोपण किया, जो भावनात्मक रूप से इस कदर हावी है। ऐसी लागी लगन, और इस लगन की परिणति के रूप में मेरे द्वारा 5 पातियों का लेखन किया गया। 5 पातियों का इस मुहिम से जुड़े प्रत्येक बंधुओं के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु हेतु परम सत्ता परमात्मा से मैं प्रार्थना, उपासना और याचना करती हुई आज के मुख्य लक्ष्य पाती वाचन पर आती हूँ। आज मानव जीवन में मित्रता का स्थान ईर्ष्या, स्वार्थ, धोखाधड़ी और बेईमानी जैसे शब्दों ने ले लिया है। सच्चा मित्र मिलना दिवास्वप्न हो गया है। ऐसे परिवेश में मेरी आज का पाती वाचन मित्रता के प्रति लेश मात्र भी सकारात्मक विचार लाने में समर्थ होती है तो मैं इसे अपना अहोभाग्य समझूंगी। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के विनाशकारी विकराल रूप में ममत्व अपनत्व को तिरोहित करने वाले घटनाक्रम देखने को मिले, जिसमें
ऐसे अवसर भी आए कि पिता पुत्र का नहीं, पुत्र पिता का नहीं, विवश कर दिया मुझे इन घटनाक्रमों ने। सच्चा मित्र तन मन और धन से मैत्री धर्म का पालन निभाते हुए हमारे साथ खड़ा होता है। 18 मई सन 2020 को मैंने आज के पाती लेखन के लिए कलम उठाई। मेरी भावनाएं आज इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास मात्र कर रही हूं। दिनांक 18 मई 2020 अजमेर। प्रिय मित्र सप्रेम बंदे, कोरोना लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है, पर ना जाने आज तुम क्यों याद आए, ना जाने आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नैनों के रास्ते हृदय से उमड़कर सहसा श्याम घन छा गए। नैनों के सागर में तुम्हारी छवि, धूमिल धूमिल सी नजर आने लगी। कोरोना लॉकडाउन में संक्रमण काल में बस तुम ही नजर आए। किसी ने खूब कहा है, दुनिया में यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। आज लॉकडाउन के चलते नैतिकता के टूटते तटबंधों के बीच तुम्हारा सेवा भाव बहुत ही दुष्कर कार्य है। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा एवं मेरे अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के संचित प्रतिफल स्वरूप जीवन में तुम जैसे मित्र का उदय हुआ। मुझे तुम पर गर्व है मित्र। मित्र, भौतिक जीवन से परे एक और हमारा जीवन है, जिसे हम आत्मिक जीवन कहते हैं। बहुत करीब के रिश्ते और प्यार में वह शक्ति है जो भौतिक नहीं आत्मिक ही है। तुम आत्मा से जुड़कर अपना कर्म कर लोकमानस के भी मित्र बन गए। मुझे नाज है तुम पर। मेरे प्रिय मित्र, रिश्तों का इतिहास जितना पुराना है, दोस्ती का इतिहास उतना ही पुराना है, जिसमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पाति का भेद नहीं होता है। सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते समय कृष्ण घोषित राजकुमार नहीं थे, लेकिन नंद के बेटे के रूप में हैसियतमंद अवश्य थे। फिर उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण के रूप में उनके मित्र थे। जब सुदामा को अपनी
विपन्नता में श्री कृष्ण की याद आई, तब तक श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। आज तुम अपने पद पर प्रतिष्ठित होकर जन जन के सेवा भावी बन गए हो। जिस तरह कृष्ण ने सुदामा को अपने बचपन की मित्रता का जो सिला दिया, वही आज तुम्हारी सेवा ने जन जन को दिया है। मित्र, ये शाश्वत सत्य है कि मित्रता में कोई बंधन नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। पानी परात को छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल पाओ पखारे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। ये है मित्रता की चरम अनुभूति। हे संवेदनशील मेरे प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी हो, जिसका कोई भी मोल नहीं है। हे मेरे मित्र, यह एक ऐसी दौलत है जिसके सामने दुनिया की कोई भी दौलत नहीं टिकती है। मेरे करुणामय मित्र, तुम अपना ख्याल रखना। कोरोना भगाने के लिए एक दिया, कोरोना को भगाने के लिए एक दिया दहलीज पर मैंने भी जलाया है। ताकि वह भय आक्रांत होकर मिट जाए। आप मेरे लिए जिंदगी की सौगात हो। आपने मित्रवत भावना को भक्ति में बदल दिया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे राजस्थान की राधा मीरा का कृष्ण प्रेम, जिसकी परिणति मरिया पाछे स्वर्ग मिले है, मैं सुनी ओरी मीरा, मरिया पाछे स्वर्ग मिले है, मैं सुनी ओरी मीरा, पण तो जीव तड़ी श्याम समागे, पण तो जीव तेरी श्याम समागे, री मीरा ओ मीरा। ये है आपके और मेरे बीच समर्पित भावना, जो पूजा और उपासना में रूपांतरित हो गई। मेरे अनुपम सखा, मृतता कभी लैंगिक भिन्नता को नहीं देखती है, ये तो भावों का दरिया है, जो अपने मित्र के हृदय रूपी सागर में समा जाना चाहता है। और कह उठती है, छुपा कर रख मेरे सायर, छुपा कर रख
मेरे शायर पसीने की कमाई हूँ छुपा कर रख मेरे शायर पसीने की कमाई हूँ छुपा कर रख मेरे शायर। पौराणिक दुनिया में हम दृष्टिपात करें तो कृष्ण और द्रौपदी की मित्रता जो स्त्री और पुरुष के मध्य है, चाहे मामला चीर हरण का हो या वनवास में ऋषि दुर्वासा का अपने शिष्यों के साथ द्रौपदी की कुटिया में आने का। कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी के साथ मित्रता निभाई, उसी प्रकार तुमने कृष्ण बनकर चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, रचनात्मक सृजनात्मक कार्य हो, मित्रता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि मित्रता सबसे प्राकृत रिश्ता है। मित्रता सबसे प्राकृत रिश्ता होता है जिसमें अपनापन होता है, जिसमें अपनापन होता है। कहीं खून का रिश्ता भी, कहीं खून का रिश्ता भी नहीं दर्द जगाता, कहीं खून का रिश्ता भी नहीं दर्द जगाता। कोई कहीं अपना ना बनकर, कहीं कोई अपना ना बनकर भी अपना बन जाता है, अपना बन जाता है। आपके और मेरे मध्य मित्रता एक औपचारिकता नहीं अपितु एक उत्तरदायित्व है, जिसे हमने स्वेच्छा से ओढ़ा है, जिसके अंतर्गत किसी भी महान और उच्च कार्य को करने के लिए हम निजी सामर्थ्य से बाहर जाकर भी मिलकर किसी भी कार्य को सफलता के अंजाम तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, यदि मित्र को पाना है, यदि मित्र को पाना है, प्रेम को पाना है, तो मन को खाली करना होगा। कृष्ण ने क्या कहा कि मित्र को पाना है, प्रेम को पाना है, तो मन को खाली करना होगा। अपनी इच्छाएं, अपना सुख दुख सब त्याग कर समर्पण मार्ग के पथिक बनना होगा, समर्पण मार्ग के पथिक बनना होगा। इस लॉकडाउन में मित्र, जब मुझे हार्ट अटैक आया, याद है तुम्हें जब तुमने जिस तरह से माला था, भुलाया नहीं जा सकता। तुम्हारा त्याग और समर्पण अविस्मरणीय रहेगा। मेरी सासू माँ की जब तबीयत बिगड़ी थी, तब तुम ही फरिश्ते थे जिन्होंने आज मेरी माँ को इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि हम अपने मन से व्यापार हटाकर अनायास ही गा उठते हैं। ये तो प्रेम की बातें है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है उधो। आपकी और मेरी मित्रता मन के कच्चे धागे से बंधी हुई परिपक्वता पवित्र है, परिभाषित नहीं। ऐसी है हमारी मित्रता। इसी मित्रता के लिए मैं कई वर्षों से चुन रही थी सुंदर 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 प्रसून, बना सकूं उनसे, बना सकूं मैं उनसे तुम्हारे लिए हार का उपहार,
तुम्हारी विद्यता के आगे, तुम्हारी विद्यता के आगे सबकी महक और रंगत फीकी लगी। दे न पाई उपहार, दे न पाई उपहार। इस भक्ति भाव में ना शुक्रिया ना क्षमा, यही विधान है। एक दोस्त ही तो दोस्त का अभिमान होता है, एक दोस्त ही तो दोस्त का अभिमान होता है। मेरा विनम्र निवेदन है मेरे मित्र, दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को टूटने मत देना, इस फूल को टूटने मत देना, क्योंकि टूटा हुआ फूल बिखर कर मिट जाता है, मिट जाता है, मिट जाता है। मेरे परम स्नेही, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान रखना, जमी से पांव का रिश्ता ना टूटने पाए, ना टूटने पाए। एक मित्र जिसमें प्रेम की परिणति समर्पण है, कबीरदास जी ने प्रेम को ढाई अक्षर किया कहा है, सर्वविदित है, उनकी विद्यता पर संशय करना मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन मेरी दृष्टि में प्रेम ढाई अक्षर नहीं, प्रेम नव से ऊंचा है और सागर तल की गहराइयों से गहरा है, जिसका कोई भी ओर छोर नहीं, जिसका कोई भी ओर छोर नहीं। मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे कमजोर प्राण शक्ति, इस अत्यधिक प्यार के बोझ से झुकी जाती है, झुकी जाती है, उसी तरह जैसे बहुत अधिक फलों के बोझ से शाखाएं टूटने लगती हैं, टूटने लगती हैं। लेकिन तुम्हारे प्रति असीम कोमलता, प्रशंसा और पूजा की भावना मैं महसूस करती हूँ। इसे अविरल रूप से वहन करने की क्षमता परम पिता परमेश्वर मुझे प्रदान करे। मेरा साहस और मेरी भक्ति तुम्हें अर्पित है। मैं अपने देवताओं से की गई प्रार्थनाओं, उपासनाओं और याचनाओं को आपके प्यार से सज्जित करते हुए, आपके प्यार से सज्जित करते हुए उन्हीं को आपका रक्षक और आपका अभिभावक भी बनाती हूँ, और उन्हीं को आपका जीवन जो कि मेरा है, आपका जीवन जो कि मेरा है, जीवन की मुस्कान बनाती हूँ, जीवन की मुस्कान बनाती हूँ। मेरे प्यारे मित्र, इस कोरोना संक्रमण काल में खुद की रक्षा करते हुए औरों को जिंदगी देते हुए कर्मवीर मित्र, तुम खुदा के फरिश्ते हो, तुम खुदा के फरिश्ते हो जो बुझते चिरागों को अपनी सेवा भाव से नेह से पूरित कर आलोकित कर रहे हो, आलोकित कर रहे हो। आज गदगद मन सरल स्नेह भावनाएं समर्पित करते हुए शुभ मंगल कामना कर रहा है मन।
आज तुम्हारे कदमों के उत्साह को देखकर मेरा हृदय उल्लास से भरा है। जहां तुम जाओगे वहां उजियाला फैलाओगे। मैं उर की वीणा पर प्रभु से प्रार्थना करती हूं। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, करता वे मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, करता वे मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि। तुम्हारी सखी स्नेही सखी छाया। नमस्कार, धन्यवाद।